मकरंद भाऊ आप इस बस्ती में क्या कर रहे हैं कहां से आ रहे हैं अगर इसको सच बताया कि साईं के साथ गया था तो बेचारी का दिल टूट जाएगा ओ मैं शहर पर निकला था और रास्ता भटक गया मुझे पता भी नहीं था कि यहां पर एक गंदी सी बस्ती है वरना मैं जल्दी जल्दी बाहर आया मैं किसी तरह भाऊ आप फिर से उस फकीर से मिले मैं नहीं तो तुझे किसने बोल दिया सब पता है मुझे पूरे गांव में मेरे लोग हैं जो मुझ तक खबर पहुंचाते हैं मजाक कर रही थी भाऊ मुझे मेरे मकरंद भाऊ पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने मुझसे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे अच्छा चल ठीक है आ जल्दी घर चलें माधवी की दवाई का समय हो रहा है अरे वो तो घर पे नहीं है वो सासू भाई के साथ मंदिर गई क्या हाँ तूने जाने क्यों दिया अगर समय पर दवाई ना ली तो उसकी खुराक रह जाएगी बाद में खा लेंगी नहीं तेजस्वी अगर उसने समय पर दवाई ना ली तो उसे दौरा पड़ जाता है हो सकता है खा के गई हो दवा कैसे खा लेगी वो कभी अपने से दवा नहीं खाती है मैं उसे दवाई देता हूँ अच्छा कौन सा मंदिर गई खंडोबा मंदिर मैं जानता हूं तुम्हें दुख हो रहा होगा मां से दूर कर दिया मैंने लेकिन किसी खास वजह से दूर किया है एक खास जगह जाने वाली हो तुम नई जगह होगी नए लोग होंगे लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल ध्यान रखूंगा तुम्हारा साईं कितना प्यारा सजाया इसको लेकिन आज किस लिए है कोई कारण चल राधा आ गई है और ईश्वर ने चाहा तो नंदलाल भी आ जाएगा श्रद्धा और सबूरी रखो माधवी क्या हम इस बछड़े को लेके जा सकते हैं کیا
क्या हुआ मकरन? जब से नंदलाल खोया है आज तक माधवी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे बिना गुस्से के कुछ कहा है। क्यों नहीं माधवी, हम बिल्कुल रख सकते हैं। कितना प्यारा है ना, बिल्कुल हमारी राधा जैसा। सच कह रहे हैं आप, हम इसे रख सकते हैं? हाँ माधवी, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे राधा का रखते थे। मकरन, मुझे तो लगा था तुम नहीं मानोगे। मैं इस बछड़े को घर नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन माधवी के लिए मुझे ये करना ही होगा। आज उसकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। अब इतने समय के बाद मैंने उसे इतना शांत देखा है, मना करके मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता हूं। धन्यवाद साईं, आपने इसकी भूख का इंतजाम कर दिया। मैं तो गांव में गया था लेकिन कहीं सूखी घास नहीं मिली। मिला था मकरन, मगर तुमसे मांगा ना गया। मकरन, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रतिष्ठा इस बच्चे के भूख से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। तुम अपने आप को इतना ऊंचा दिखाना चाहते हो कि किसी गरीब के साथ दिखना भी तुम्हें अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। तुम सामाजिक दबाव से इतना डरे हुए हो कि हर चीज को अपनी इज्जत से तौलते हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है साईं, लेकिन साईं क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मेरे बेटे तक ना पहुंचाकर इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? दंड नहीं मकरन, मैं समझता हूं हर मनुष्य को सुधरने का अवसर देना चाहिए और इसलिए तुम्हें और एक अवसर दे रहा हूं। अगर तुम अपने बेटे तक पहुंचना चाहते हो तो इस बच्चे को कभी भी भूखा मत रखना। अगर उसके लिए तुम्हें अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़े फिर भी। ठीक है साईं, मुझे मंजूर है। राम जी भला करें। अभी तो साईं ने खाना दे ही दिया है, बाकी कल मैं नगर से मंगवा लूंगा। साईं ने जो शर्त रखी है वो पूरी होगी और मुझे भी किसी गरीब के घर जाकर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं अपने तौर तरीके किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। मकरन बाबू, ये हसमुख भाई हैं, व्यापार संघ के बहुत पुराने नेता हैं। जी मैं शिंदे, मेरी मराठी साप्ताहिक पत्रिका है। हमारा मकसद है समाज के इज्जतदार लोगों को सम्मान करें ताकि बाकी लोग उनको देख के, उनकी बातें सुन के प्रेरणा ले सकें। व्यापार की दुनिया के ही नहीं, समाज के महत्वपूर्ण नामों को भी हमारी संस्था सम्मानित करती आई है हर साल रामनवमी के दिन। इस साल हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बधाई हो भाऊ, मुझे पता था एक दिन मेरे भाऊ को यह सम्मान जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी खबर है ये, लेकिन एक समस्या है। अभी मुझे कुछ दिनों तक शिरडी में ही रहना पड़ेगा, शायद रामनवमी तक कोल्हापुर लौट पाना संभव नहीं होगा। उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, हम ये समारोह यही शिरडी में ही रख देते हैं। वैसे भी हमारे समारोह में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बंबई से, पुणे से, कोल्हापुर से, नासिक से और भी बहुत दूर दूर से। शिरडी सबके बीच में पड़ेगा, सबको सहूलियत भी होगी। लेकिन आप ना मत कहना,
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति के लिए हाँ कह दिया है। अगर आपके ना कहने से इस वर्ष ये समारोह आयोजित नहीं हुआ तो हमारी संस्था की बहुत बदनामी होगी और आपकी छवि भी खराब हो जाएगी। मकरन, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। जल्द ही व्यापार संघ के चुनाव आने वाले और ये सम्मान आपको चुनाव जीतने में भी मदद करेगा। तो ठीक है, फिर रामनवमी के दिन शिरडी में ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कहां से आई है तू? किसकी अमानत है? अचानक से मेरे पास आ गई। पता नहीं कहां है। कुलकर्णी वाड़ा तो गया, फिर बचड़ा कहां है? माधवी, इसकी घास खत्म हो रही है। हाँ हाँ, मैंने नगर से मंगवाई थी लेकिन कल की आंधी के कारण रास्ता खराब हो गया, उस कारण से आज नहीं आ पाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।